सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल UTM रेल फैन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय रेल द्वारा चलाई जाने वाली समर स्पेशल की ट्रेन के बारे में, जो कि बिहार से चलकर उत्तराखंड के बीच में चलने वाली है। आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि ये बिहार के किस जगह से चलेगी और उत्तराखंड की किस जगह से जाएगी। इसके रूट के बारे में बात करेंगे, इसके किराए के बारे में बात करेंगे, इसमें लगने वाले समय के बारे में बात करेंगे और ये किस किस दिन चलाई जाने वाली है। इन सभी की पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर शुरू करते हैं इस खास वीडियो। भागलपुर हरिद्वार समर स्पेशल ट्रेन, जिसका नंबर होने वाला है 03423। यह ट्रेन हफ्ता के प्रत्येक सोमवार को चलाई जाएगी। करीबन 28 घंटे की यात्रा तय करके यह ट्रेन पहुंचेगी उत्तराखंड के हरिद्वार को। भागलपुर रेलवे स्टेशन से दोपहर के 1:55 पर यह गाड़ी चलेगी सोमवार के दिन, और मंगलवार के दिन यह शाम को करीब करीब 5:55 पर हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। आप सभी को बता दें कि इसका जो रूट होने वाला है उस रूट के बारे में बात करते हैं। यह भागलपुर से चलेगी 1:55, फिर यह जमालपुर क्यूल के रास्ते बख्तियारपुर होते हुए पटना, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वाराणसी, जौनपुर जंक्शन, अयोध्या, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, लक्सर होते हुए यह हरिद्वार को पहुंचेगी। और आप सभी को बता दें कि ये सेम रूट से ये वापस आएगी। अब बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में कि कितना स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी में इसका कितना किराया लगने वाला है भागलपुर से हरिद्वार और हरिद्वार से भागलपुर के बीच। तो भागलपुर से हरिद्वार के बीच में इसका जो स्लीपर का किराया है वो लगने वाला है 720 रुपये, और थर्ड एसी में लगने वाला है 1860 रुपये, और सेकंड एसी में इसका लगने वाला है 2575 रुपये। तो ये कुछ इस प्रकार से इस ट्रेन के किराए की बात कर ली। अब बात करते हैं कि हरिद्वार से भागलपुर में लगने वाले फेयर में, तो स्लीपर में लगने वाला है 770 रुपये, और थर्ड एसी में लगने वाला है 1950 रुपये, और सेकंड एसी में लगने वाला 2705 रुपये। तो कुछ इस प्रकार से इस ट्रेन में किराए लगने वाले हैं। इस ट्रेन की बुकिंग IRCTC पे ओपन हो चुकी है। जल्दी से जल्दी आप इस ट्रेन को बुक करें और अपनी यात्रा को सुगम बनाएं। और आप सभी को बता दूं कि इसमें जो यूज होने वाले कितने कोचेज हैं उस बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं कि सेकंड एसी के 2 कोच लगने वाले हैं, थर्ड एसी के 5 कोच लगने वाले हैं, और स्लीपर के 9 कोच होने वाले हैं। सामान्य मतलब जनरल कोच इसमें 4 लगने वाले हैं, एक इसमें जनरेटर कार होगा, एक इसमें SLR होगा। तो कुछ इस प्रकार से कोच की संख्या होने वाली है और इस ट्रेन होने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रेन होने वाली है, महत्वपूर्ण होने वाली है। यह ट्रेन बिहार के भागलपुर से निकल कर पटना के रास्ते वाराणसी के काशी से जोड़ते हुए श्रीराम की नगरी अयोध्या और हरिद्वार को जोड़ेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेन है, पहली ट्रेन चलाई गई है इस समर स्पेशल के नाम से, और इस रूट पर ट्रेन चलाई गई। अब बात करते हैं इस ट्रेन को किस किस दिन चलाया जाने वाला है। तो आपको बता दूं कि यह गाड़ी कम से कम 9 फेरे जाएगी और 9 फेरा आएगी, मतलब यह गाड़ी हफ्ता में सिर्फ एक दिन चलने वाली है। यह गाड़ी भागलपुर से सोमवार के दिन निकलेगी। इसका पहला रन होने वाला है 29 अप्रैल 2024 को, फिर यह मई में चलने वाली है 4 दिन। जैसे कि मैं आपको तारीख बता देता हूँ, 6 मई, 13 मई, 20 मई और 27 मई। अब बात करते हैं जून में, जून में यह चलने वाली है 3 जून, 10 जून, 17 जून और 24 जून को। अब बात करते हैं कि यह हरिद्वार से भागलपुर के बीच में कब चलने वाली है। तो इसका जो पहला रन होने वाला है वो होगा मंगलवार के दिन, प्रत्येक मंगलवार को यह चलेगी, मंगलवार को 30 अप्रैल, उसके बाद मई में आ जाता है 7 मई, 14 मई, 21 मई, 28 मई, फिर आ जाता है जून, 4 जून, 4 जून, 11 जून, 18 जून और 25 जून को इसका आखिरी होने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से इस ट्रेन की शेड्यूलिंग है। आई होप ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। और सभी को बता दूं कि इसके साथ साथ जौनपुर वासियों को भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उन्हें इस रूट पर एक ट्रेन मिल जाएगी जो कि जौनपुर से अयोध्या, जौनपुर से वाराणसी, जौनपुर से पटना, जौनपुर से भागलपुर और जौनपुर से हरिद्वार को जोड़ेगी। तो एक खास सुविधा मिलने वाली है खासकर हमारे जौनपुर वासियों को। हफ्ते में यह ट्रेन चलने वाली है। आई होप अगर आने वाले समय में यह ट्रेन अच्छा परफॉर्म करती है, आप लोग की अच्छी बुकिंग होती है, तो हो सकता है कि रेलवे इसे परमानेंट भी कर सकता है और हफ्ता में इसे चला भी सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी समर स्पेशल के रूप में निकलने वाली है। तो चलिए फिर चलते हैं, इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।